तो आ गया वंदे भारत। देखो देखो केसिंगा का रेलवे स्टेशन। देखो फ्रेंड कितना गजब लग रहा है, त्रिशूल कितना बड़ा है। और मैं अभी आया हूँ गंगा नदी तरफ। देखो कितना बढ़िया लग रहा है पूरा शाम को, वाह। और मैं केसरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड गैप ब्लॉग में आप देखे हैं कि पापा जी का डेथ हो गया था, तो आज हम लोग अस्थि लेके जा रहे हैं। अलावा भी 12 बजे जाएंगे केसिंगा, और वहाँ से ट्रेन है रायपुर के लिए, और रायपुर से फिर जाएंगे इलाहाबाद। तो चलो पूरा दिखाते हैं। तो अब हम लोग बैग भी पैकिंग हो गया, निकल रहे हैं। हमारे तरफ कहाँ भी तीर्थ यात्रा या कहीं भी जाने से हमारे तरफ ऐसे करके निकालते हैं और पूजा वूजा करके भेजते हैं। गए हैं भवानीपटना बस स्टॉप, पहुंच गए भाई। पूरा बहुत ही गलत हुआ, हम लोग थोड़ा सा बस देखे और निकल गया ऐसा था, लेकिन क्या करें, बस इतना हम लोग सही टाइम पे ही निकल चुके थे। कम से कम 20 किलोमीटर है, उसको आधा घंटा नहीं, अढ़ाई घंटा कर दिया सारा बस। तो अब भुजवाला रायपुर से जाना था, तो अभी वंदे भारत का टिकट किए हैं, वो आएगा 6:45 पे, और वहाँ से जो रायपुर से इलाहाबाद का था रिजर्वेशन, लेकिन वो भी कैंसिल करके अभी दूसरा वाला किए। बहुत बुरा हुआ। ये देखो केसिंगा का रेलवे स्टेशन, बढ़िया जगह में है, लेकिन यहाँ पे मैं आज से कम 15 साल पहले आया था। जब एक बार गए थे हम लोग गुजरात गए थे दीदी के यहाँ, तो वही बात यहाँ पे आया था, और उस टाइम से आ जा रहा हूँ। कौन भोंक? अभी प्लेटफॉर्म में सुधार किए हैं, पहले पूरा बहुत गंदा था, अभी पूरा न्याय से बनाए हैं। वो पास घुसते थे, अभी नया करके बनाए हैं। देखो बारिश जोरदार शुरू हो गया, पूरा गजब का हो रहा है। वंदे भारत फर्स्ट टाइम वंदे भारत में देखेंगे, बाल एकदम कितना बड़ा बड़ा भी हो गया है पूरा, कुछ नहीं चार जब वहाँ जाएंगे और सब ये करेंगे तभी दिखा देंगे। क्या नाम है उसका? अभी जो देख रहे हैं वो लोग हैं यहाँ के, और बोल रहे हैं हमको भी थोड़ा देखा ब्लॉग में बोल के। देखो आ गया है गाड़ी संख्या 2083 विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थोड़ी ही देर में आएगी। तो आ गया वंदे भारत। देखो इटा चलो लॉक ही थी चलो ट्रेन के पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरे। प्लीज रिमेम्बर और सिर्फ पहले से कंफर्म हो गया था, लेकिन बहुत जल्दी कितना गर्दी हो गया है, 2-3 मिनट ही हुआ है, 5 मिनट में वस्तु ना तीसरे पहुंच गया टिटलागढ़। स्पीड चेक कर देखना, वन एट 101 108, नेक्स्ट स्टॉप 17। पहुंच गई फाइनली पहुंच गए रायपुर। बहुत दिन बाद आया, सुन के जब लाने गया था ना उसी टाइम आया। ये है वंदे भारत, मेट्रो जैसा ही है, पूरा मेट्रो जैसा ही लगा। 110 120 पे ही आ रहा था, आधा घंटा पहले ही हम लोग।
ইলেকট্রিক সামান সব জায়গা সরে পড়বো তার আর আসতে যাব গাড়ি পাঁচ তবে আগে আমি রাজস্থানে উপর हम देखो फ्रेंड पूरा गजब का है, पूरा बढ़िया दिखता है। सर्व सर्व सर्वधर्म हनुमान मंदिर ऊपर से कुछ ऐसा है, बड़ा है रायपुर का प्लेटफॉर्म। नींद तो गजब का लग रहा है और अभी ट्रेन है एक घंटा लेट और अभी सोएंगे तो पूरा ये हो जाएगा। तो सब मुंह बंद धर लिया अब और थोड़ा स्ट्रिंग पीते हैं, थोड़ा चार्ज हो गया और अभी ट्रेन आने वाला है। लेकिन बारिश गजब का हो रहा है, देख रहे हो जोरदार हो रहा है पूरा। ट्रेन पाँच नंबर अभी आ रहा है तो देख रहे कैसा भीड़ पूरा। लेकिन टेंशन हम लोग को नहीं है क्योंकि अपना रिजर्वेशन है, अपना ट्रेन। अभी सुबह के बजे चार और खतरनाक डर लग रहा है, सुबह एकदम बहुत तेज जा रहा है, एकदम गिर जाएंगे जैसा लग रहा है पूरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गया और अभी हम लोग मध्य प्रदेश पहुँच गए। तो अब ये पास रुका हुआ है ट्रेन, उधर से गाड़ी आ रहा है। अब चलने लगा गाड़ी, बस पूरा मजा आ रहा है। अपना आया वाला ट्रेन जा रहा है तो भैया दीदी लोग हम लोग को रिसीव कर लिए। अब जाएंगे वो महाराज जी के यहाँ, वहाँ पे रहेंगे और फिर जाएंगे वहाँ। तो आ गए अभी रूम में, यहाँ पे ही महाराज जी के यहाँ का ही ये रूम। देखो फ्रेंड कितना गजब लग रहा है, त्रिशूल कितना बड़ा है। और मैं अभी आया हूँ गंगा नदी तरफ, देखो कितना बढ़िया लग रहा है पूरा शाम को, वाव। और अभी तो अपना काम नहीं होगा, आज तो बहुत लेट हो गया है तो अभी रुके हैं होटल में और कल अपना काम खत्म करके जाएंगे। मेरे को तो पूरा ऐसा लग रहा है, पूरा हाथ पर हिल रहा है, ट्रेन में ही बैठा हूँ जैसा लग रहा है। लड़का लोग पतंग उड़ा रहे हैं, वो पास रेस्टोरेंट है और उधर रेलवे पुल है और ये देखो कितना बड़ा ब्रिज गंगा नदी में है। शाम का नजारा क्या मस्त लग रहा है पूरा, देख रहे। बोटिंग वोटिंग सब बंद हो गया है, कल भी जो भी होगा कल देखेंगे। बहुत ही टायर्ड लग रहा है पूरा, एकदम थका थका लग रहा है और इतना गर्मी लग रहा है कुछ मतलब जाके
नहा के थोड़ा रेस्ट करना है, फिर भी कल कभी भी घूम पाएंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय मां कृष्ण।